हेलो गाइस, आज आपके साथ एक वेडिंग गाउन मेकअप लुक शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप अपनी आईज़ को मतलब अच्छे से प्राइम करके बेस लगाएंगे। मैंने क्रायलॉन में सारे प्रोडक्ट्स चेक कर दूँगी। क्रायलॉन का बेस लिया है, जो भी आपके पास बेस या फाउंडेशन है उससे आप अच्छे से उसको करें। फिर उसके बाद उसको लूज़ पाउडर या कम्पैक्ट, मैंने शुगर का कम्पैक्ट लिया, इसे सेट करेंगे। उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो उससे मैंने उसके लिए सबसे पहले हुडा ब्यूटी की ये पैलेट ली। इसमें से पिंक कलर आप देख सकते हो ना, पिंक कलर, ये मैट शेड है, इसमें कोई चमक नहीं है। ये ड्यूप है हुडा ब्यूटी का। तो इससे मैंने सॉफ्ट आई शेडो ब्रश लेकर पीछे की तरफ जो 1/3 है उस एरिया पे अच्छे से स्मज किया। फिंगर से भी आप कर सकते हो। पीछे टेप मैंने सेलो टेप लगा ली थी लाइट सी। और इसके पता क्या है, इससे क्या होगा कि पीछे के शेप की आपको परवाह नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप बिगनर हैं आप ज़रूर टेप लगाकर ही काम करें, वरना अगर आप एडवांस हैं तब भी आप लगा सकते हैं, तो उससे जल्दी हो जाता है काम। तो ये देखिए, अच्छे से हमने इसको कर दिया। 1/3 पे ही करना है, जो एक्सेस मटेरियल है वो सेलो टेप पे आ जाएगा। उसके बाद इनमें से मैं ये जो है मैंने शिमरी पैलेट ली है मिस रोज़ की, इनमें से मैं येलो कलर लूँगी। और इसको जो 2/3 है सामने की आईलिड उस पर मैं अच्छे से स्मज करूँगी। तो ये एक अलग सा लुक आएगा। इसमें हम ग्लिटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी इस मेकअप लुक में, इस वेडिंग आई मेकअप लुक में, क्योंकि कई लोग ग्लिटर्स लगाना नहीं पसंद करते। तो आप शिमरी लुक क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आएगा लुक, और अच्छे से स्मज करेंगे हम। थोड़ा डिफरेंट है ये बाकी लुक्स जो मैंने आपके साथ आज तक शेयर किए हैं, बिकॉज ग्लिटर्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सब जगह। इसमें से अब मैं पिंक शेड लूँगी शिमर्स, और ये मिस रोज़ की पैलेट है, तो जो मैंने जहाँ मैट शेड पिंक लगाया था ना उसके ऊपर मैं ये वाला शेड लगा दूँगी ब्रश से, तो इससे एक शाइन आ जाएगी। यही सारा मेकअप आप ग्लिटर से भी कर सकते हैं, बट ये वाला जो मैंने लुक रखा है शिमरी लुक रखा है। फिर येलो कलर को थोड़ा सा लगा कर दोनों को अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। ऊपर भी साथ साथ ब्लेंड करते रहना, क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए हमने कोई डिफरेंट कलर नहीं यूज़ किया है, इन्हीं कलर्स को यूज़ किया है फॉर ब्लेंडिंग भी क्रीज लाइन के में। उसके बाद मैंने एक काजल स्टिक ली है NYB की, जो भी काजल स्टिक आपके पास आप उससे कर सकते हैं। मैं टैग कर दूंगी जो मैंने यूज़ की है। और उसके बाद फिर मैंने आईलाइनर एक लगाया है। आईलाइनर ये बहुत घटिया मैंने एक लोकल ले लिया, अच्छा नहीं निकला, बहुत ही ज़्यादा गीला भी है और टिप भी इसकी बहुत बेकार है। तो आप कभी लोकल आईलाइनर्स मत खरीदना, मैंने भी ऑनलाइन मंगवाया था, लोकल ही है। उसके बाद मैंने आईब्रो फिलिंग कर ली है। इस बार मैंने पाउडर फिलिंग की है, क्योंकि पेंसिल से थोड़ी डार्क आती है फिलिंग, तो इसमें मैंने सटल लुक रखा है। तो इसके बाद मैंने देखिए देखिए, क्योंकि टिप ठीक नहीं है इस आईलाइनर की और बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, ये मैं बाद में ठीक कर लूँगी। उसके बाद मैंने क्या किया, गोल्डन कलर लिया है और इसको अच्छे से मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटिंग के लिए। तो ये जो मैंने गोल्डन कलर लिया है मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट में से लिया है। सो जो स्मॉल वाला आई शेडो ब्रश है इससे लेकर मैंने इसे हाइलाइटिंग की है। तो इसमें मैंने अलग से कोई हाइलाइटर नहीं लिया, इसी को मैंने अच्छे से स्मज कर दिया है लाइन्स पे, लैश लाइन्स पे आप देख सक रहे हो। और इसके बाद पीछे मैंने पिंक लगाऊंगी कलर, ये गोल्डन कलर है, क्योंकि मेरा येलो कलर बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो मैंने इस करके गोल्डन लिया है। और पीछे मैं ये पिंक जो मैंने आपको दिखाया था ना शिमरी शेड, मैंने मिस रोज़ में से लिया था, ये पीछे की तरफ लगाऊंगी। तो इस तरह से ये लुक क्रिएट होगा। एंड वही गोल्डन कलर जो मैंने आपको हुडा ब्यूटी में से दिखाया था वही मैंने आईब्रो बोन में भी यूज़ कर लिया, अलग से कोई हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है इस मेकअप लुक में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम मस्कारा लगा लेंगे। NYB का ही मस्कारा लिया है, या आप ब्लू हेवन का भी ले सकते हो। तो अच्छे से हाईलाइट कर दूंगी मैं सारी आईलैशेस को, अच्छे से इनको कोट कर देंगे। आप चाहें तो फेक लैशेस भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल वेडिंग लुक है। आपको कैसा लगा ये लुक कमेंट करके बताना, तो सबसे अच्छा कमेंट होगा हम उसको पिन करेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, तो आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी आपके साथ एक नए वीडियो में।